दोस्तों, अगर आप आपके पीसी या फिर लैपटॉप में विंडोज 10 का ऑफिशियल यानी कि जेन्युइन ओएस आप आपके पीसी या लैपटॉप पे इंस्टॉल करना चाहते हो तो आज का वीडियो ज़रूर से पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से विंडोज 10 का जेन्युइन लाइसेंस वर्जन आप फ्री में आपके विंडोज पीसी में इंस्टॉल कर पाओगे। तो दोस्तों, मैं मोहित आप सबका टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ विंडोज़ इनसाइडर प्रोग्राम के बारे में। विंडोज़ इनसाइडर प्रोग्राम से आप विंडोज 10 का जेन्युइन वर्जन फ्री में डाउनलोड कर पाओगे। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले जाना है गूगल पे। गूगल पे जाके आपको टाइप करना है विंडोज़ इनसाइडर प्रोग्राम। तो जैसे ही आप उसे टाइप करोगे तो आपको सबसे पहला जो ऑप्शन मिलेगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक जैसे ही करते हो वैसे विंडोज़ का इनसाइडर प्रोग्राम का ऑफिशियल वेब पेज खुल जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे उसका ये विंडोज़ इनसाइडर प्रोग्राम है, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स भी शो कर रही है। तो आपको सबसे पहले उसमें लॉगिन करना है। अगर आपके पास विंडोज़ का यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का लाइव या हॉटमेल का अगर अकाउंट है तो आप उससे आसानी से उसमें लॉगिन कर पाओगे। तो यहाँ पे हम सीधा, हमारे पास ऑलरेडी एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है तो हम यहाँ पे हमारे लाइव के अकाउंट से यहाँ पे उसे लॉगिन कर देते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे उसे स्किप कर दे रहे हैं थोड़ा सा, तो आपको यहाँ पे लॉगिन कर देना है। लॉगिन कंप्लीटली हो जाएगा उसके बाद आपको विंडोज इनसाइडर की जो पेज है यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए पूछेगा। तो आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो थोड़ी सी टर्म एंड कंडीशन है उसको आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर लोगे। उसके बाद आप यहाँ पे सक्सेसफुली विंडोज जो इनसाइडर प्रोग्राम है उसमें आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन द विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम, इंस्टॉल विंडोज 10 इनसाइडर प्रिव्यू ऑन योर पीसी। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे ये सारी कम्प्लीटली आपने सक्सेसफुली लॉग इन कर दिया है और रजिस्ट्रेशन कर दिया उसके बारे में दिखा रहा है। तो आपको उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है इंस्टॉल विंडोज 10 इनसाइडर फ्रॉम पीसी आप इंसाइडर प्रीव्यू। आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्लिक करके यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो गेटिंग स्टार्ट, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है आपका और इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको यहाँ पे आप भी डाउनलोड किया आएगा। तो आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे सारी उसकी किस तरह से आप उसे इंस्टॉल कर पाओगे वो सारी डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है। तो आपको यहाँ पे वो सारी पढ़ लेनी है, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो फिर आप डायरेक्टली जो से मैं बता रहा हूँ वैसा आप क्लिक करके यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए, डाउनलोड पे। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम यहाँ पे दूसरे एक पेज पे आ गए। यहाँ पे आपको अभी आपका प्रीव्यू सिलेक्ट करना है कि कौन से करना है। तो मैं यहाँ पे प्रीव्यू एंटरप्राइज सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे हम लैंग्वेज ले रहे हैं यूके इंग्लिश। तो आप यहाँ पे आप भी जो चाहो, अगर आप जो जिस कंट्री से बिलोंग कर सकते हो वहाँ की आपको लैंग्वेज में आप इसे डाउनलोड कर पाओगे। मैं यहाँ से यूके इंग्लिश को सिलेक्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन कर देना है आपको अगर कौन से बिट में डाउनलोड करना है, 32 बिट पे या फिर 64 बिट में। मैं यहाँ पे 64 बिट का हमारा सिस्टम है इसलिए मैं यहाँ पे 64 बिट के लिए डाउनलोड कर रहा हूँ। आप चाहो तो 32 के लिए भी डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 64 बिट में डाउनलोड कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, इस तरह से आप इसे डाउनलोड कर पाओगे। अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो वो भी मैं आने वाले समय में जल्दी एक उसका वीडियो बनाने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ, आप जिस पीसी पे जिस लैपटॉप पे आप डाउनलोड करोगे आप उसी में इसे इंस्टॉल कर पाओगे। आप ऐसा नहीं है कि आप उसे दूसरे कोई आईडी में मतलब दूसरे कोई पीसी में यूज़ कर पाओगे। तो दोस्तों, आपको अगर इसे एक्टिवेट करना है तो आपको जो आपने लाइव या फिर हॉटमेल से आपका जो रजिस्ट्रेशन किया है उसकी आपको बाद में ज़रूर पड़ेगी। तो इसलिए वो पासवर्ड आईडी आपको याद रखना पड़ेगा इंस्टॉलेशन के टाइम पे। तो दोस्तों, आप इस तरह से विंडोज 10 का जो ऑफिशियल वर्जन है आप उसे जेन्युइनली डाउनलोड कर पाओगे। और दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आप किस तरह से इसे इंस्टॉल कर पाओगे, अगर आप ये भी वीडियो देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताएं, क्योंकि मैं जल्दी ऐसा एक प्लान कर रहा हूँ कि आप किस तरह से विंडोज 10 को आपके पीसी या फिर लैपटॉप पे इंस्टॉल कर पाओगे, वो भी पेन ड्राइव की जरूरत से। तो दोस्तों, आपके मन में काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, जैसे कि आपको सबसे पहला क्वेश्चन यह आ रहा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऐसे क्यों फ्री में सबको दे रहा है विंडोज 10 की जेन्युइन कॉपी।
और दूसरा कि आपको माइक्रोसॉफ्ट अगर ये जो 10 विंडोज 10 जो जेन्यून वर्जन है उसे फ्री में दे रहा है, तो ये क्या लिमिटेड टाइम के लिए है या फिर लाइफ टाइम के लिए है? और ऐसा ही एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये क्या इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन रहेगा, कुछ आपको एक्सेस करने से रिस्ट्रिक्शन, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट रोकेगा? और तीसरा और आखिरी क्वेश्चन ये आ रहा है कि ऐसा क्यों, अगर ये जो माइक्रोसॉफ्ट इस तरह से ये विंडोज 10 की ये जेन्युइन कॉपी फ्री में दे रहा है, तो लोग क्रैक वर्जन और पायरेटेड वर्जन क्यों यूज़ करते हैं? तो दोस्तों इसी सारे सवाल का भी मैं आपको आंसर देना चाहता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि क्यों ये आप माइक्रोसॉफ्ट ऐसे कर रहा है, तो दोस्तों ये इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपने जो अपना जो विंडोज 10 का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितना स्टेबल है, उसके लिए आप ये जो बीटा वर्जन सबको प्रोवाइड करें इनसाइडर प्रोग्राम के थ्रू, ताकि उनको पता चल सके कि इसमें कौन कौन से बग्स है, तो वो उसे जल्दी से फिक्स करेगा और न्यू अपडेट न्यू पैचेस लॉन्च करेगा, तो इसलिए ये फ्री में सबको दे रहा है। और दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें अगर आपको ये जो है वो फ्री में दे रहा है तो लाइफ टाइम के लिए या फिर लिमिटेड टाइम के लिए? तो दोस्तों ये पूरी तरह से लाइफ टाइम के लिए आपको ये प्रोग्राम फ्री में मिलेगा, आप इसे बहुत जितना टाइम यूज़ करना चाहो उतना टाइम यूज़ कर पाओगे, आपको आने वाले सब अपडेट भी सबसे पहले इस पर मिलेंगे। तो दोस्तों आपके मन में ये भी क्वेश्चन हो रहा कि इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन रहेगा यानी कि कुछ एक्सेस करने के लिए, तो जी ना ही दोस्तों, इसमें किसी तरह का भी माइक्रोसॉफ्ट आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं रखेगा, बल्कि आपको एक्स्ट्रा एक्सेस देगा यानी कि अर्ली एक्सेस देगा कि आप कोई भी अगर न्यू अपडेट आता है विंडोज 10 में कुछ न्यू आता है तो वो सबसे पहले आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। और दोस्तों आखिरी क्वेश्चन का आंसर कि ये अगर फ्री में है तो क्यों लोग पायरेटेड और कॉपी वर्जन यूज़ कर रहे हैं? तो दोस्तों काफ़ी सारे लोगों को ये प्रोग्राम के बारे में इनसाइडर प्रोग्राम के बारे में पता नहीं है, इसलिए लोग कॉपी वर्जन यानी कि क्रैक वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो में दी गई जानकारी से आपको संतुष्ट हुआ होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों आप इसी तरह के वीडियो और भी चाहते हो तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो नीचे रेड कलर का सब्सक्रिप्शन का बटन है उस पर क्लिक करके, और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ हमारे अगले और भी एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर।